जसपुर वन मंडल के अधिकारी कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से हाथियों के दल से बिछड़कर गांव आए हुए हाथी शावक को हाथियों के दल से मिलाने का अनोखा रेस्क्यू किया है। शेड्यूल वन में आने वाले वन्य प्राणी हाथी के बच्चे की इस सूचना के मिलते ही जसपुर वन मंडल के DFO जितेंद्र उपाध्याय दल बल के साथ समडमा गांव पहुंचकर हाथी के शावक पर नजर बनाए हुए थे। वन अधिनियम के तहत बने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लगभग 10 घंटों के परिश्रम के बाद हाथी के शावक को सुकुशल उसके दल तक पहुंचाने का सफल रेस्क्यू वन विभाग ने किया है। गौरतलब है कि जसपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र में लंबे समय से लगभग 35 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिसमें कई शावक भी शामिल है। सुबह हाथियों के दल में से एक शावक भटकते हुए समडमा गांव आ गया, जिसे देखकर ग्रामीणों ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। हाथी शावक के गांव आने की जानकारी जब जसपुर वन मंडल को मिली तो जसपुर DFO जितेंद्र उपाध्याय ने तत्काल वन अमले को अलर्ट करते हुए हाथी के शावक को सुरक्षित जंगल में उसके बिछड़े हुए हाथी दल से मिलाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले हाथी के शावक को ग्रामीणों से मुक्त कराया और स्कूल कैंपस में रखा गया, जिसके बाद पशु चिकित्सक द्वारा शावक का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उसके खाने पीने का ख्याल रखते हुए हाथी मित्र दल, वन रक्षक, ट्रैकर व ग्रामीणों की मदद से हाथी झुंड का लोकेशन जंगल में लिया गया और लगभग 10 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद हाथी के शावक को उसकी मां से मिलवाया गया। DFO जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अगले 2 दिनों तक वन अमला इसकी निगरानी करेगा। 7 बजे पता चला कि एक हाथी के झुंड से एक बच्चा जो है लगभग महीने भर का, ये अपने झुंड से अलग होके ग्राम समडमा में आ गया था। वहाँ लोगों के द्वारा खबर दिया गया तो तत्काल बीट गार्ड जो है विलंब किए 15 मिनट में पहुँच के बाकी जो उसको हाथी को बच्चे को सुरक्षित जगह में स्कूल प्रांगण में रखा गया था। उसके बाद जिले अधिकारियों से बात करके SP सर से और वेटनरी के जो जिला प्रभारी उनसे बात करके पूरा लाइनअप करके फिर वेटनरी डॉक्टर साहब या विमिन साहब को तुरंत बुलाया गया। बाकी हाथी का पूरा हेल्थ चेकअप हुआ, उनके क्या भोजन देना है क्या नहीं देना है, वेटनरी डॉक्टर और रायपुर के चंदन डॉक्टर हैं हमारे, उनके दोनों के मार्गदर्शन में उनको देखरेख किया गया, उनके माप लिया गया, उनको पूरा शारीरिक परीक्षण किया गया। उसको पता चला हाथी का बच्चा एकदम चंगा है, कहीं कोई डैमेज नहीं था करके। उसके बाद पूरी रणनीति बनाते हुए कि हाथी का लोकेशन लेते हुए पूरे वन रक्षक और ट्रैकर, वन मित्र, स्थानीय ग्रामीणों का इसमें बहुत सहयोग रहा। हाथी यहाँ पिछले कई दिनों से, उसके बावजूद भी इन्होंने संवेदना दिखाते हुए हाथी के बच्चे को जंगल में मिलाने के लिए अथक प्रयास किया गया। तो ये सभी टीम को मिला के फिर हाथी का लोकेशन लिया गया और हाथी को लोकेट करने के बाद अभी आधा घंटा पहले उसको जो प्रोटोकॉल है विधिवत, जैसा कि ऊपर से मार्गदर्शन में मिला हमारे CCF सर से और MHEO सर से, उसको हाथी के बच्चे को भी समडमा बीट में हाथी के मादा का लोकेशन देखते हुए फिर उसको अंदर जाके उसको उससे छोड़ के मिलवाया गया। तो मिलने तक उसमें खबर आ चुकी है, पुष्टि हो चुकी है, एक सफल रहा बच्चे को उससे माता से उसकी माँ से मिलवाना। और इसके लिए मैं वेटनरी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और जितने भी ग्रामीण हैं यहाँ के समडमा के, इन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आगे आज शाम से हमारा जो प्रतिदिन का जो गश्ती दल है वो रखेगा और बाहर से कुछ सरगुजा से ट्रैकर्स आए, 2 दिन तक इसमें सघन इसमें निगरानी रखेंगे।